जहाँ पर दोस्तों जब भी हमारे पास पीसी बिल्ड करने का ख्याल आता है तो हम सबसे पहले सिर्फ सीपीयू के बारे में सोचते हैं एंड कभी भी मॉनिटर के बारे में उतना ध्यान नहीं देते या फिर रिसर्च नहीं करते हैं। तो यार मैंने आपके लिए यहाँ पर रिसर्च करके लेके आया कुछ 5 कमाल के मॉनिटर जिसे आप खरीद सकते हो 10,000 के बजट सेगमेंट में। सो बिना टाइम वेस्ट किए सो लेट्स बिगिन। जहाँ दोस्तों आपके मन में एक ख्याल तो ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर एक मॉनिटर लेते वक्त आपको उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो यार सबसे पहला तो आपका रेजोल्यूशन हो गया, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिस्प्ले का साइज़ हो गया, रिफ्रेश रेट हो गया एंड उसके बाद भी और बहुत सारे छोटे छोटे स्पेक्स होते हैं जिसके ऊपर आप गो थ्रू कर सकते हो, जैसे पोर्ट्स हो गया, एंटी ग्लेयर है कि नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें। बट यहाँ पर ब्रांड प्रायोरिटी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक ब्रांड का ट्रस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि ब्रांड टू ब्रांड डिस्प्ले की क्वालिटी यहाँ पे मैटर करती है। तो आप अगर कोई एक ब्रांड पे ट्रस्ट करते हो डिस्प्ले को लेकर आप उस ब्रांड पे जा सकते हो। यहाँ पे यूजुअली सारे ब्रांड्स ही काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं बट तो भी यहाँ पे एक ब्रांड इंपॉर्टेंट फैक्टर है एंड कौन सा ब्रांड सही है अगर आप इस पर कन्फ्यूज हो तो ऑब्वियसली आपको यूज़र रेटिंग ही देखना पड़ेगा अमेजोन फ्लिपकार्ट में एंड उसके अलावा आपको यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता। तो यूज़र रेटिंग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कोई भी अगर आप मॉनिटर चूज़ कर रहे हो। तो जहाँ पे मैं आपको कुछ 5 कमाल के यहाँ पे मॉनिटर शेयर करने वाला हूँ और 5ों अलग अलग ब्रांड्स की तरफ से आते हैं। जहाँ पे 5वें नंबर पे है सैमसंग की तरफ से एक मॉनिटर। ऑब्वियसली यार आपको एक एक छोटे छोटे स्पेक्स में आपको यहाँ पे शेयर नहीं करने वाला हूँ, आप यहाँ पे स्क्रीन में सामने देख लो, स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो वो कर लो या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ अमेजॉन फ्लिपकार्ट का जहाँ पे भी वो अवेलेबल है आप उसे चेकआउट कर लो, वहाँ पे भी आपको सारे डिटेल स्पेक्स देखने को मिल जाएंगे। अब इधर ऐसे 5वें नंबर पे मैंने किस लिए रखा है वो एक यहाँ पे रीज़न है, ऑब्वियसली इसका प्राइस यहाँ पे थोड़ा हाई है, ये एक रीज़न है 5वें नंबर पे होने का एंड इसमें कुछ भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे स्पेक या सच लेके नहीं आता है, बस एक ही फैक्टर है जिसकी वजह से यहाँ पे है, ये कर्व मॉनिटर है। तो जिन्हें भी वो कर्व वाला एक्सपीरियंस चाहिए, वो इमर्सिव एक्सपीरियंस चाहिए, वो इस कर्व्ड मॉनिटर को चूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसका प्राइस यहाँ पे 10,999 रुपये यानी कुछ 11,000 रुपये तक है तो ये थोड़ा सा प्राइस के ब्रैकेट के बाहर में चला जा रहा है बट ऑब्वियसली कर्व का एक्सपीरियंस आपको 10,000 के अंदर नहीं मिलने वाला है। बट इसमें आपको कुछ एज सच कुछ अलग यहाँ पे नहीं मिल रहा है, 23.5 इंच का डिस्प्ले साइज है जो यूजली इस सेगमेंट में नहीं मिलता है बट वो डिस्प्ले साइज और कर्व्स के अलावा आज तक आपको कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा और नहीं मिलता है। बाकी 14 नंबर के मॉनिटर के बारे में बात करें तो या तो BenQ की तरफ से, ये BenQ है या BenQ है मुझे नहीं पता, जो भी है इसकी भी स्पेक्स आपको स्क्रीन पे मिल रही होंगी लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में। अब इसका यहाँ पे होने का जो रीज़न है वो BenQ एक बहुत बड़ा गेम ब्रांड है मॉनिटर को लेकर, जहाँ पे ये ब्रांड यूजुअली फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स के एडिटिंग के लिए मॉनिटर्स बनाती है, हाई सेगमेंट में काफ़ी अच्छा कलर एक्यूरेट डिस्प्लेस बनाती है एंड ऑब्वियसली उनका बजट सेगमेंट का रेंज है एंड ऑब्वियसली इसमें कोई भी ऐसा सर्टिफिकेशन नहीं है कलर एक्यूरेसी का, बट तो भी आप एक अच्छा बिल्ड क्वालिटी और एक अच्छे क्वालिटी का डिस्प्ले पैनल एक्सपेक्ट कर सकते हो इस ब्रांड से। रेटिंग वगैरह काफ़ी सही है एंड ये इनबिल्ट स्पीकर भी लेके आता है ना, आपको TUV रेनलाइन सर्टिफिकेशन मिल जाता है एंड यहाँ पे डुअल HDMI पोर्ट है तो वो भी एक अच्छी बात है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। प्राइस 9,900 रुपये आपको देखने को मिल जाएगा। 3रे नंबर पे यहाँ पे आ जाता है ये मॉनिटर डेल के तरफ से, ऑब्वियसली डेल बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड ब्रांड है कंप्यूटर की दुनिया में एंड इसकी भी स्पेक्स आपको आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी। अब ये यहाँ पे है, ऑब्वियसली इसके ब्रांड एक बहुत बड़ा फैक्टर है और आपको यहाँ पे 3H हार्ड कोटिंग एंटी ग्लेयर एक लेयर मिल जाता है आपके डिस्प्ले के ऊपर, जहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा रिफ्लेक्शंस वगैरह होता है आपके मॉनिटर के स्क्रीन पे वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। प्राइस के बारे में बात करें तो पूरा 10,000 रुपये आपको अमेजोन में देखने को मिल जाएगा। अगेन डेल जैसे ब्रांड को देखते हुए काफ़ी तगड़ा पैकेज है, एज सच कुछ स्पेक में डिफरेंस नहीं है, यूजली सारे मॉनिटर में आपको यही स्पेक्स यहाँ पे मिल जाते हैं। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे 2रे नंबर पे जो आता है यहाँ पे लेनोवो की तरफ से, लेनोवो D-सीरीज का ये मॉनिटर है। अगेन स्पेक्स वगैरह यूजुअली सारे सेम है बट आपको यहाँ पे 75 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिल जाता है जो कि अगर आप गेमिंग वगैरह करना चाहते हो तो आपको थोड़ा बेहतर एक्सपीरियंस यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी TUV रेनलाइन है, एंटी ग्लेयर है एंड अगेन लेनोवो जैसे ब्रांड की तरफ से तो थोड़ा सा ट्रस्ट आप यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड इसकी भी यूज़र रेटिंग काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है तो कोई भी ऐसा दिक्कत आपको नहीं आने वाला। इसका प्राइस 9,700 रुपये में आपको कुछ आसपास देखने को मिल जाएगा, कुछ कूपन्स वगैरह रहते हैं उसके थ्रू आपको 9,500 से 10,000 के बीच में इसका प्राइस आपको देखने को मिलेगा। फिर हम बढ़ते हैं हमारे 1रे नंबर पे जहाँ पे यह आता है एसर की तरफ से। अब इसका यहाँ पे डिस्प्ले का साइज़ ज़्यादा है, ये 23.8 इंच का डिस्प्ले लेके आता है एंड बाकी सारे हमारे लिस्ट के मॉनिटर से ज़्यादा बड़ा स्क्रीन साइज़ लेके आ जाता है
एंड ये भी 75 हर्ट्ज का यहाँ पे रिफ्रेश रेट लेके आता है, 2 HDMI पोर्ट लेके आता है। एंड इसकी जो सबसे अच्छी खासियत है वो ये है कि ये 1 millisecond का रिस्पॉन्स टाइम लेके आता है। यूजली आपको जो इस सेगमेंट में बाकी सारे मॉनिटर दिख रहे हैं उसमें 4 millisecond या फिर 5 millisecond आपको देखने को मिलता है। यूजली ये सेगमेंट में आप 3 millisecond के नीचे आप कोई भी मॉनिटर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, बट ये 1 millisecond यहाँ पे लेकर आ रहा है, वो बहुत तगड़ी बात है। एंड प्राइस 999 यानी 10,000 रुपये में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको साइज ज़्यादा मिल रहा है, डुअल HDMI पोर्ट मिल रहा है, 75 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिल रहा है। तो अगर आप गेमिंग के लिए एक मॉनिटर ढूंढ रहे थे, काफ़ी तगड़ा ऑप्शन है। उसके साथ में रेटिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छा है, इसका कलर एक्यूरेसी के ऊपर। तो आप अगर किसी और काम के लिए भी लेना चाह रहे हो, कंटेंट के लिए भी लेना चाह रहे हो, या फिर आप नॉर्मल यूज़र के हिसाब से भी अगर एक मॉनिटर लेने चाह रहे हो, तो ये आपके लिए एक परफेक्ट मॉनिटर होने वाला है। और अगर आपको थोड़ा प्राइस हाई है ना, आप बस एक नॉर्मल बेसिक यूज़ करना चाहते हो, गेमिंग के लिए नहीं लेना चाहते हो और एक अच्छा ब्रांड के साथ भी जाना चाहते हो, थोड़ा इमर्सिव एक्सपीरियंस पाना चाहते हो, तो आप सैमसंग का कर्व मॉनिटर भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी डेल वगैरह ब्रांड की भी ऑप्शंस है, लेनोवो है, आप जिस ब्रांड में जाना चाहो उसमें जा सकते हो। सभी ब्रांड काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, सभी का यूज़र रेटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पैकेज काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। तो यार आज की वीडियो में तो यार इतना ही था। सो वीडियो अगर आपको पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना आपके थॉट्स, या फिर कोई भी और आपको मॉनिटर के नाम शेयर करने हो तो नीचे ज़रूर कर सकते हो। बाकी यार आज की इस वीडियो में तो इतना ही था। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो।